हेलो, आवाज बढ़ाओ भैया थोड़ी। बड़ी पावन पावन पुण्य कथाएं आप श्रवण कर रहे हैं, मनपसंद दौर है। आइए पावन समिति के निर्देश अनुसार गर्ग संहिता से आप ये कथा श्रवण करने जा रहे हैं। भगवान कन्हैया जी, एक समय की बात, स्वर्ग लोक को नरकासुर संहार करने के लिए जाते हैं, तो माता अदिति ने कन्हैया जी को पारिजात का वो पुष्प अर्पण कर दिया, जो लाकर माता रुक्मणी को प्रदान किया। और यही बात जब सत्यभामा जी को मालूम पड़ी तो भगवान कन्हैया जी से कहा कि यह स्वामी, पुष्प का हुआ है दुष्परिणाम। तो आज माँ सत्यभामा भगवान कन्हैया जी से कह रही है, प्रभु आपने रुक्मणी को पारिजात वृक्ष का जो पुष्प है उसे अर्पण किया, लेकिन मुझे वो पारिजात वृक्ष ही चाहिए। कहा क्यों? मुझे पुण्य व्रत करना है, मेरे आंगन में उसको लाकर स्थापित कीजिए। माँ सत्यभामा भगवान कन्हैया जी से कह रही है, प्रभु बड़ी मार्मिक धुनों के साथ में ये मार्मिक कथा आप श्रवण करने जा रहे हैं। हो तरुपारी दातिया पे मुझे, हे दान दीजिए, तरुपारी जातिया पे मुझे, हे दीनानाथ बात मेरी, हे दीनानाथ बात मेरी मान लीजिए, दीनानाथ बात मेरी मान लीजिए, दीनानाथ।
जो व्रत लिया है, उपवास लिया है, जय हो, वो केवल और केवल पारिजात की छांव में बैठकर ही मैं ये पूजन भजन करना चाहती हूँ। हाँ। जाते हैं, जाकर इंद्र से कहते हैं, इंद्र हाँ। जो तुम्हारे नंदन मन में पारिजात का वृक्ष है वो मुझे दे दीजिए। आज शिवरात्रि का वो पावन दिन है हाँ। जब भगवान कन्हैया जी स्वर्ग लोक को गए, जय हो, और इंद्र से वो पारिजात का वृक्ष मांगा हाँ। और इंद्र ने पारिजात वृक्ष देने से मना कर दिया। क्या हुआ? जाओ। Ah!
कन्हैया और इंद्र के बीच में युद्ध हो जाता है और युद्ध लड़ते लड़ते सांझ ढलने को है, तो देवराज इंद्र कहते हैं प्रभु आज मेरे ही लोक में आप रात्रि विश्राम कीजिए। भगवान कन्हैया जी कहते हैं इंद्र मैं युद्ध वेला में हूँ, जय हो, और दुश्मन के यहाँ पर रुकना वर्जित है, मैं जाकर पारियात पर्वत पर भगवान भोलेनाथ की आराधना करूंगा, आज शिवरात्रि की रात है। तो देखिए भगवान कन्हैया जी आज भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं। हो पारियात शिखर पे करे प्रार्थना, वाह वाह, आए प्रभु मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाए। आज शिवरात्रि की रात है, श्री नवज्योति भजन मंडल शंकरपुरा मंच के समीप आजा भैया। हो पारियात शिखर पे करे प्रार्थना, कन्हैया करे शिव की पावन रात शिवरात्रि थी, वो दिन शिवरात्रि का था और वो रात भी शिवरात्रि की थी। वो ये रात्रि है शिव की कोई रात ना, सुफल हो मनोरथ करे कामना, हो पारिया शिखर पे करे प्रार्थना कर रहे हैं, माँ गंगा जी को प्रकट कर लेते हैं, सारी पूजन की सामग्री उपलब्ध है, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं। आए प्रभु हो करते अभिषेक श्याम पुष्प को अर्पण, देवों के महादेव कृष्ण को ये दास आपकी आराधना करता है। किस प्रकार से भगवान कन्हैया जी आज भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं। ये हो आ,
पी गए वाओ बेसिका प्याला ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि तो पूजन हरि ने जो हर का किया हे पूजन हरि श्री नवज्योति मंडल शंकरपुरा मंच के समीप आ जा भैया पूजन हरि Hari.